नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात बूंदी राजस्थान में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। राजस्थान के बूंदी जिले का रहने वाला 30 साल का अभिषेक शर्मा राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल था। उसकी पोस्टिंग बूंदी की पुलिस लाइन में थी। 28 अगस्त 2019 की शाम वो अपनी बहन शीतल से ये कहकर गया था कि ड्यूटी पर जा रहा है। अगले दिन जब वो घर नहीं लौटा तो उसके पिता भगवती प्रसाद ने उसके मोबाइल पर फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। परेशान होकर जब उन्होंने पुलिस लाइन में ही तैनात उसके दोस्त इरशाद को फोन करके अभिषेक के बारे में पूछा तो उसने जो बताया उसे सुनकर सब परेशान हो उठे। इरशाद ने बताया कि अभिषेक ड्यूटी पर पहुंचा ही नहीं था। किसी को बिना कुछ बताए अभिषेक कहां चला गया और उसका मोबाइल क्यों बंद है, ये सोचकर घर के सभी लोग परेशान थे। एक सप्ताह तक परिवार के लोग अपने स्तर पर अभिषेक का पता लगाने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो 5 सितंबर को भगवती प्रसाद ने बूंदी कोतवाली पहुंचकर कोतवाल घनश्याम मीणा को बेटे अभिषेक शर्मा के गायब होने की जानकारी देकर उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने शक जताया कि अभिषेक को गायब कराने में उसकी पत्नी दिव्या पाठक और साली श्यामा शर्मा का हाथ हो सकता है। चूंकि मामला विभाग के ही कांस्टेबल के गायब होने का था, इसलिए उन्होंने इसकी सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दे दी। कांस्टेबल अभिषेक शर्मा का पता लगाने के लिए ASP सतनाम सिंह ने एक स्पेशल टीम का गठन किया, जिसमें तेज तर्रार पुलिस वालों को शामिल किया गया। कोतवाल घनश्याम मीणा ने गुमशुदा कांस्टेबल के पिता भगवती प्रसाद को एक बार फिर थाने में बुलाकर उसके बारे में पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि अभिषेक के उसकी पत्नी दिव्या पाठक के साथ संबंध ठीक नहीं थे। इसकी वजह ये थी कि अभिषेक के प्रेम संबंध दिव्या की फुफेरी बहन श्यामा से हो गए थे। इसकी जानकारी दिव्या को हुई तो उसने अभिषेक का विरोध किया, लेकिन जब अभिषेक नहीं माना तो दिव्या नाराज होकर अपने मायके जटवाड़ा चली गई। उस समय वो अपनी 1.5 साल की बेटी के साथ मायके में ही थी। श्यामा शर्मा बोली कस्बे में अपने माता पिता के साथ रहती है। मामला प्रेम प्रसंग का नजर आ रहा था, इसलिए कोतवाल घनश्याम मीणा ने अभिषेक, दिव्या और श्यामा के मोबाइल नंबरों की कॉल रिकॉर्ड निकलवाए। उन्होंने जब इनकी कॉल रिकॉर्ड की जांच पड़ताल कराई तो पता चला कि घटना वाली रात को 12:30 बजे तक अभिषेक का मोबाइल फोन एक्टिव था। इसके बाद उसका फोन विजयगढ़ किले में जाकर स्विच ऑफ हो गया था। विजयनगर किले में अभिषेक की अंतिम लोकेशन मिलने के बाद कोतवाल घनश्याम मीणा ने उसके घर वालों को इसके बारे में बताया और अभिषेक के संभावित जगह पर जाने के बारे में पूछताछ की। उन्होंने बताया कि इस जगह से उसकी पत्नी दिव्या का मायका जटवाड़ा नजदीक है, शायद वो उससे मिलने वहां गया हो। इसके बाद पुलिस ने इस मामले को आपसी कलह के एंगल से भी देखना शुरू किया, लेकिन जब पुलिस टीम दिव्या पाठक से मिलने उसके गांव पहुंची तो उसने बताया कि अभिषेक उससे मिलने नहीं आया था। अभिषेक के घर वालों ने अपना शक उसकी साली श्यामा पर भी जाहिर किया था, इसलिए पुलिस का ध्यान अब श्यामा पर केंद्रित हो गया। पुलिस की जांच बड़ी धीमी रफ्तार से बढ़ रही थी। उधर गुमशुदा अभिषेक शर्मा के घर वालों के सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा था। वे दिन रात अपने बेटे की सलामती जानने के लिए बूंदी कोतवाली का चक्कर लगा रहे थे। अभिषेक की साली श्यामा शर्मा के मोबाइल की कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि श्यामा की अभिषेक शर्मा से गायब होने से पहले रोज उसके साथ लंबी लंबी बातें होती थी, लेकिन श्यामा के कॉल रिकॉर्ड्स में एक और भी नंबर सबके दायरे में आया। उस नंबर पर भी श्यामा बात करती थी। इस संदिग्ध फोन नंबर की कॉल रिकॉर्ड निकालने के बाद पता चला कि वो नंबर नावेद रंगरेज नाम के युवक का है, जो श्यामा के गाँव बोली का ही निवासी था। वो जयपुर में फाइनेंस का काम करता था। इससे कोतवाल मीणा का शक और पुख्ता हो गया और उन्होंने श्यामा और नावेद दोनों को पूछताछ के लिए कोतवाली बुला लिया। जब श्यामा और नावेद दोनों कोतवाली पहुंचे तो कोतवाल घनश्याम मीणा ने उन दोनों से अभिषेक शर्मा के गायब होने के बारे में पूछा, लेकिन दोनों ने पुलिस को गुमराह करने की भरपूर कोशिश की। उन दोनों के सामने जब अभिषेक और उन दोनों के कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन दिखाकर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो वे टूट गए। उन्होंने स्वीकार किया कि 28 अगस्त की रात उन्होंने कांस्टेबल अभिषेक शर्मा की हत्या करके उसके शव को गायब कर दिया था। पुलिस की तहकीकात और मृतक कांस्टेबल अभिषेक शर्मा के घर वालों से पूछताछ के बाद
इस हत्याकांड की जो कहानी सामने आई वो कुछ इस प्रकार से है। कांस्टेबल अभिषेक शर्मा अपने माता पिता के साथ राजस्थान के बूंदी शहर स्थित बीबनवा रोड पर रहता था। करीब 11 साल पहले उसकी नौकरी राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर लगी थी। बाद में उसने कमांडो की ट्रेनिंग भी ली थी। इन दिनों वो बूंदी की पुलिस लाइन में तैनात था। अभिषेक की शादी सवाई माधोपुर जिले के जरवाड़ा गांव की दिव्या पाठक से हुई थी। अभिषेक औसत कदकाठी का हैंडसम युवक था। दिव्या उसे अपने पति के रूप में पाकर खुश थी। ससुराल में पति के अतिरिक्त सास ससुर ननद सभी थे। वहां दिव्या को किसी चीज की कमी नहीं थी। वो खुद को दुनिया की सबसे भाग्यशाली औरत समझती थी। शादी के कुछ साल बाद जब उसने एक लड़की को जन्म दिया तो उसकी किलकारियों से घर का वातावरण सुहाना सा हो गया। दिव्या की एक फुफेरी बहन थी श्यामा। श्यामा सावली सलोनी जरूर थी लेकिन वो आकर्षक दिखती थी। वो खुले दिल की युवती थी। उसे टिकटॉक पर अपने गाने व वीडियो डालने का शौक था। चूंकि वो किशोर उम्र से वीडियो बना रही थी इसलिए अब तक वो 300 से अधिक वीडियो अपलोड कर चुकी थी। सवाई माधोपुर में तो वो टिकटॉक गर्ल के नाम से मशहूर थी। दिव्या और श्यामा की आपस में बातचीत होती रहती थी। इसके अलावा श्यामा पढ़ने में भी तेज थी। 12वीं कक्षा में उसने 75% अंक प्राप्त किए थे। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। माँ आंगनवाड़ी में काम करती थी। एक बार श्यामा दिव्या से मिलने उसकी ससुराल बूंदी पहुंची तो उसकी मुलाकात जीजा अभिषेक से हुई। चुलबुली और बला की खूबसूरत साली को देखकर अभिषेक की नीयत डोल गई। वहां कुछ दिन रहने के बाद उसकी अभिषेक से नजदीकियां बढ़ गई और दोनों के बीच अवैध संबंध भी बन गए। दिव्या ने पहले तो इसे महज जीजा साली का प्यार समझा लेकिन बाद में उसने अभिषेक और श्यामा को रंगे हाथों पकड़ लिया। इसके बाद घर के हालात बदलते देर नहीं लगी। श्यामा को लेकर अभिषेक के साथ उसका झगड़ा हुआ। आनन फानन में दिव्या ने श्यामा के भाई को बुलाकर श्यामा को उसके साथ उसके घर भेज दिया। श्यामा के चले जाने के बाद भी अभिषेक और श्यामा के संबंधों में कोई कमी नहीं आई। दोनों फोन पर देर तक लंबी लंबी बातें करते थे। बाद में अभिषेक उससे मिलने उसके गांव भी जाने लगा जहां वो श्यामा के साथ अपने मन की मुराद पूरी कर लेता था। वहां कई दिन रुकने के बाद वो बूंदी लौट आता था। दिव्या और अभिषेक के बीच इस बात को लेकर रोज दूरियां बढ़ने लगी तो नौबत मारपीट तक जा पहुंची। आखिरकार दिव्या ने पति की हरकतों से तंग आकर बूंदी थाने में पति के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज करा दिया और अपने मायके जरवाड़ा चली गई। अभिषेक ने भी दिव्या के खिलाफ गहने चोरी करने का मामला दर्ज करा दिया और कोर्ट में उससे तलाक की अर्जी डाल दी। अब वो श्यामा के साथ शादी करके उसी के साथ जिंदगी गुजारना चाहता था। वो उस पर शादी करने का दबाव डालने लगा। उधर श्यामा ने जब अपनी ममेरी बहन का घर उजड़ते देखा तो उसे होश आया। दूसरे अभिषेक उससे उम्र में 10-12 साल बड़ा था। वो उससे किसी भी कीमत पर शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने अभिषेक से कहा कि वो उससे शादी नहीं करेगी क्योंकि इससे उसकी बहन का घर उजड़ जाएगा। लेकिन अभिषेक किसी भी हाल में उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो श्यामा पर शादी करने का दबाव डालने लगा। अभिषेक की इन हरकतों से श्यामा तंग आ गई और अभिषेक से पीछा छुड़ाने के बारे में वो सोचने लगी। श्यामा का एक और प्रेमी था नावेद। नावेद उसके गांव का ही लड़का था जिसके साथ पिछले 4-5 सालों से उसके गहरे संबंध थे। अभिषेक की हत्या से 15 दिन पहले श्यामा ने नावेद की मदद से अभिषेक से पीछा छुड़ाने की योजना तैयार की। नावेद भी चाहता था कि श्यामा के संबंध उसके सिवा किसी और लड़के से ना हो। 28 अगस्त 2019 को योजना के अनुसार श्यामा ने अभिषेक के मोबाइल पर फोन करके उसे मिलने के लिए अपने गांव बुलाया। साथ ही कहा कि आज उसका बर्थडे है, वो उसके लिए खाना बनाकर लाएगी और दोनों कहीं एकांत जगह पर चलेंगे। वहीं जाकर हम दोनों साथ साथ खाना खाएंगे, फिर वहीं रात भर मौज मस्ती भी करेंगे। ये सुनकर अभिषेक उससे मिलने के लिए तैयार हो गया। उस दिन शाम 7 बजे वो अपनी बहन शीतल से ये कहकर निकला कि वो ड्यूटी पर जा रहा है। लेकिन वो पुलिस लाइन में ड्यूटी पर न जाकर बूंदी से करीब 136 किलोमीटर दूर साली के गांव पहुंच गया। उसके गांव पहुंचने के बाद श्यामा ने अपने प्रेमी नावेद को फोन करके विजयगढ़ किले के धीरावती महल में पहुंचने के लिए कहा और खुद अभिषेक की मोटरसाइकिल पर बैठकर किले की तरफ रवाना हो गई। वहां पहुंचकर श्यामा अभिषेक को अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। उस खंडर में जाने पर अभिषेक को भी कुछ शक हो रहा था लेकिन कमांडो ट्रेनिंग कर चुका अभिषेक बहुत सतर्क था। वो बार बार इधर उधर देख रहा था। आड़ में छिपा नावेद अभिषेक पर हमला करने का मौका देख रहा था लेकिन उस पर हमला करने से उसे डर भी लग रहा था।
उसके हाथ इसलिए भी कांप रहे थे कि यदि उसका निशाना सही नहीं पड़ा तो अभिषेक उस पर भारी पड़ सकता है। आखिर हिम्मत जुटाकर नावेद दबे पाव अभिषेक के पीछे पहुंचा और अभिषेक के सिर पर लोहे की पाइप से भरपूर प्रहार कर दिया। सिर पर वार होते ही अभिषेक वहीं रुड़क गया। इसके बाद श्यामा और नावेद दोनों ने मिलकर गला घुटकर उसकी हत्या कर दी। फिर उसके शव को नंगा करके पहले से खोदे गए धीरावती महल के गड्ढे में डालकर उसके ऊपर मिट्टी और कांटेदार झाड़ियां डाल दी। अभिषेक के शव को दफनाने के बाद नावेद श्यामा को उसकी मोटरसाइकिल पर बैठाकर लौट आया। उसने श्यामा को उसके गांव के बाहर छोड़ दिया, फिर मोटरसाइकिल काफी दूर ले जाकर एक सुनसान कुएं में डाल दी। इसके बाद वो घर चला गया। मामला शांत हो जाने के बाद वो श्यामा से शादी कर अपनी दुनिया बसाना चाहता था। अभिषेक की हत्या को 4 महीने हो चुके थे। श्यामा और नावेद समझ रहे थे कि पुलिस उन दोनों तक नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन ASP हरनाम सिंह के निर्देशन में बूंदी थाने की पुलिस कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए मामले की तह तक पहुंच गई और 18 दिसंबर 2019 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी श्यामा और उसके प्रेमी नावेद से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश करके 3 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया। इस दौरान पुलिस उनकी निशानदेही पर कांस्टेबल अभिषेक शर्मा के शव तक पहुंची, जो कंकाल में बदल चुकी थी। पुलिस ने अभिषेक का कंकाल विजयगढ़ किले के खंडर हो चुके धीरावती महल से बरामद कर लिया, जबकि उसकी मोटरसाइकिल वहां से कुछ दूरी पर एक वीरान कुएं में मिली। नावेद की निशानदेही पर अभिषेक शर्मा के कपड़े एक तालाब से बरामद किए गए। घटना के बाद उसके कपड़े नावेद ने एक पॉलिथीन में भरकर फेंक दिए थे। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद कोर्ट के आदेश पर अभिषेक शर्मा हत्याकांड के आरोपी श्यामा शर्मा को नारी सुधार गृह और नावेद को जेल भेज दिया गया। जिस समय अभिषेक की हत्या हुई थी उस समय श्यामा के 18 साल पूरे होने में केवल 6 दिन बाकी थे, इसलिए कोर्ट ने उसे नाबालिग माना। हालांकि 18 दिसंबर को जब उसे गिरफ्तार किया गया तो वो बालिग हो चुकी थी। फिलहाल कुछ भी हो, कत्ल करने का दाग उसके दामन पर लग ही गया है। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।